तीन मई से मणिपुर लगातार जल रहा था। तीन मई से हमें लगातार खबरें आ रही थीं कि मणिपुर के इस हिस्से में आग लगी है। तीन मई से हमें लगातार ये भी खबरें आ रही थीं कि मैतेई लोगों ने कुकी को मार दिया, कुकी ने मैतेई को मार दिया। तमाम तरीके की खबरें लगातार आज भी हमें आ रही हैं। कल राज्य में राहुल गांधी मौजूद थे। राहुल गांधी चूड़ाचांदपुर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें इम्फाल और चूड़ाचांदपुर के बीच बिष्णुपुर बॉर्डर पर रोका गया और उन्हें वापस इम्फाल की तरफ लौटा दिया गया। फिर राहुल गांधी को हेलीकॉप्टर के ज़रिए चूड़ाचांदपुर जाना पड़ा और वहाँ पर उन्होंने तमाम रिलीफ कैंप में लोगों से मुलाकात की। लोगों ने राहुल गांधी को अपनी परेशानियां बताईं। लोगों ने राहुल गांधी को एक किताब भी दी। उस किताब में जो डिमांड है वो भी हम आप लोगों को बताते हैं। उस किताब में यही मांग की गई है कि जो 100 पन्नों की वो किताब है जिसमें हर एक जो भी हिंसा है जो कुकीज़ के साथ हुई उन्हें डॉक्यूमेंट किया गया है, और किताब में जो मांग है वो है सेपरेशन फ्रॉम मणिपुर। कुकीज़ जो हैं एक अलग स्टेट की डिमांड कर रहे हैं। वो किताब को देते हुए जो विजुअल है आपको अभी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा हमें ये भी खबर सुनने मिल रही है कि बीरेन सिंह मुख्यमंत्री पद से कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। पिछले 2 महीने से लगातार मणिपुर से हिंसा की खबरें आ रही थी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का और जो स्टेट का डेटा है वो ये कहता है कि अभी तक करीब 60,000 से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए हैं और उनकी यानी कि उनके घरों को जला दिया गया है और करीब 100 लोगों की इस हिंसा में जान जा चुकी है। वहीं जो मैतेई और कुकी दोनों ही समुदाय का जो डेटा है वो इससे कहीं अलग है। दोनों ही समुदाय बोलते हैं कि हमारे लोग ज़्यादा मारे गए हैं, और जो मैतेई समुदाय है वो ये आरोप लगाते हैं कि कुकीज़ जो हैं वो यहाँ के नहीं हैं। आधे जो कुकीज़ हैं जो यहाँ के नागरिक हैं वो यहाँ रह सकते हैं, और जो बर्मा के जो म्यांमार के नागरिक हैं वो यहाँ से चले जाएं। जब 2 महीने से लगातार मणिपुर से खबरें आ रही थी, तब 2 महीने तक ना ही प्रधानमंत्री ना ही विपक्ष का कोई बड़ा नेता मणिपुर की तरफ गया था, और अब जाके जब करीब 2 महीने हो गए हैं तब राहुल गांधी ने मणिपुर का दौरा किया और उसी के तुरंत बाद ये खबर आने लगी कि हो सकता है कि बीरेन सिंह इस्तीफा दे दें। अब एक सवाल ये भी उठता है कि शायद हो सकता है कि जो सरकार है, सरकार में बैठे लोग हैं, वो ये नहीं चाहते कि विपक्ष को ये पता चले कि मणिपुर की ज़मीनी स्थिति अभी क्या है। दूसरी ध्यान देने वाली बात ये भी है कि जब राहुल गांधी मणिपुर में मौजूद थे तब भी वहाँ पर मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में हिंसा जारी थी और 2 मैतेई समुदाय के लोगों की इसमें जान भी गई। मैं आपको उनके नाम बताना चाहूँगा, वही खॉम नीला कमल और दूसरे हैं कौनसाम हिरोजित मैतेई। इन 2 लोगों की कल मणिपुर में हुई हिंसा में जान गई, और संबित पात्रा का कल ही एक बयान आया। उसके अलावा बीरेन सिंह का भी यही बयान आ चुका है कि 13 जून से मणिपुर में हिंसा नहीं हुई है और किसी की जान नहीं गई है, जबकि कल 2 मैतेई समुदाय के लोगों की जान गई। और जो मैतेई और कुकी दोनों ही समुदाय हैं वो इस बात से, जो चीफ मिनिस्टर की बात है और जो संबित पात्रा की बात है, वो इन दोनों की ही बातों से सहमत नहीं है कि मणिपुर में हिंसा रुक गई है। उनका कहना है कि हिंसा अभी भी राज्य में लगातार जारी है और जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हिंसा को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। राहुल गांधी ने चूड़ाचांदपुर में 29 तारीख को दौरा किया और कई रिलीफ कैंप्स में वो गए। इसके अलावा आज यानी 30 तारीख को राहुल गांधी मणिपुर के मोयरांग में मौजूद हैं, जहां पर वो मैतेई समुदाय के रिलीफ कैंप में जा रहे हैं। दोनों ही समुदाय के लोग अभी रिलीफ कैंप में हैं। मैतेई के रिलीफ कैंप में मैतेई समुदाय के लोग हैं, कुकीज़ के रिलीफ कैंप में कुकी समुदाय के लोग हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो 2 कम्युनिटी है ये डिवाइड हो चुकी है। इसके अलावा संबित पात्रा ने एक वीडियो जारी कर कहा कि जो मणिपुर के हालात हैं वो 13 तारीख से कंट्रोल में हैं, लेकिन कितना कंट्रोल में है उससे दोनों ही समुदाय सहमत नहीं हैं। दोनों ही समुदाय के पास अपना डेटा है। अगर मैं ज़मीनी हालात की बात करूं तो कैंप्स में कई कैंप्स ऐसे भी हैं जहां पर लाइट की सुविधा नहीं है, जहां पर पीने का पानी साफ नहीं है, और जो गृह मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वादा किया गया था कि कैंप्स में सुविधाएँ पहुँचाई जाएंगी और जिन लोगों के घर जल गए हैं उनको मुआवजा भी दिया जाएगा, वो मुआवजा भी अभी तक ज़मीन पर किसी को मिला नहीं है। लोगों की शिकायत है कि जो वादा किया गया था वो अभी तक पूरा नहीं किया गया। अब देखना ये होगा कि बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद अगर वो इस्तीफा देते हैं तो सिचुएशन जो मणिपुर की है वो कंट्रोल हो पाएगी या नहीं, क्योंकि बीरेन सिंह से दोनों ही पक्ष के लोग नाराज़ हैं
और दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि राहुल गांधी ने जो अभी दौरा किया है 2 महीने बाद, अगर वो पहले कर लेते तो क्या शायद सिचुएशन पहले नॉर्मल हो सकती थी? इन तमाम सवालों के जवाब हमने हमारी नॉर्थ ईस्ट ऑब्जर्वर संगीता बरुआ से पूछे। जून 30 सुबह से इम्फाल से खबर आ रखी है दिल्ली में कि मणिपुर चीफ मिनिस्टर जो है एन बीरेन सिंह फाइनली रिजाइन कर देंगे। खबर ये आया था कि आफ्टरनून में वो गवर्नर से मिलेंगे और अपने रेजिग्नेशन लेटर उनको थमा देंगे, क्योंकि सेंटर ने उनको कहा है कि आप ये ऐसा ही करिए। लेकिन मुझे ये थोड़ा सा मतलब इतना लगता नहीं है कि एकदम से बहुत स्मूथली वो रिजाइन करेंगे, क्योंकि आप देखिए इनका करियर का अंत भी हो सकता है ये, क्योंकि इनके निगरानी में एक बहुत बड़ा कांड मणिपुर में हुआ है जो सालों तक लोग याद रखेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर बीजेपी दोबारा पावर में आए भी तो क्या इनको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे? तो इनका कोशिश तो इसलिए बहुत होगा कि वो रिजाइन ना करें। तो यही रेजिस्ट वो कर रहे थे पिछले 2 महीने से, और दिल्ली को कहे जा रहे थे कि लॉ एंड ऑर्डर काबू में है, लेकिन हर एक दिन हर दूसरे दिन हम एक खबर आते हैं कि मतलब लोग मारे गए हैं रास्ते में से, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो और हटने का नाम नहीं ले रहे हैं, हजारों की तादाद में लोगों के घर जले हैं, डिस्प्लेस्ड होकर रिलीफ कैंप्स में रह रहे हैं, और लेकिन चीफ मिनिस्टर ये चीजें जो नियंत्रण में नहीं ला पा रहे हैं, फिर भी वो चीफ मिनिस्टर बने रहना चाह रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी वो रिजाइन कर लेंगे, क्योंकि आप देखिएगा अभी जब दिन आगे बढ़ा है, आप ऐसे चीजें न्यूज में भी देखने को मिल रहे हैं कि वो उनके सपोर्टर्स उनके घर पहुंच गए हैं और उनके रेजिग्नेशन फाड़ दिए हैं। तो ये सब चीजें हम देख रहे हैं, ये भी कारण है कि ये बहुत कई दिनों से और कई महीनों से, सालों से मैं कहूँ, 2017 में वो पहले चीफ मिनिस्टर बने, तो तब से ही वो उनका लीडरशिप क्वेश्चन में है। बीजेपी MLAs को वो एक साथ प्यार मोहब्बत से एक साथ नहीं चला पा रहे। आप 2020 का अगर देख ले तो इनको तो कू ऑफ सॉर्ट्स ही हो गया था, इनको तो हटा ही दिए गए थे सब मिलके, एलाइज भी उनके साथ थे, और न्यू दिल्ली ने टाइमली इंटरवेंशन किया और वो बच गए। तो उसके बाद जब 2022 का इलेक्शन आया तो उन्होंने एक पार्टी को पूरा स्टेट जिता के दिया पहली बार। 2017 में बीजेपी का फुल बहुमत नहीं था, 2022 में मणिपुर में फुल बहुमत है। तो ये जो सरकार है वो फुल बीजेपी सरकार है और बीजेपी के चीफ मिनिस्टर हैं। तो जब उन्होंने उनके लीडरशिप पे हुआ के वजह से वो दोबारा चीफ मिनिस्टर बने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो इनर पार्टी स्क्वैबल्स है और डिसेंट है विद इन द बीजेपी वो थमा नहीं। तो आप अगर May 3 से ये हंगामा चल रहा है तो आप अगर देखेंगे कि अप्रैल का भी ले आप, तो उसमें एक गुट तो दिल्ली में थे बीजेपी MLAs के लीडर्स के, वो चाह रहे थे कि लीडरशिप जो है स्टेट में बदले। तो ये इस बैकग्राउंड के साथ ये चीफ मिनिस्टर आता है, तो मुझे लगता है कि वो रिजाइन इतनी जल्दी तो नहीं करेंगे, क्योंकि उनका पॉलिटिकल करियर जो है ये एक इसमें एक प्रश्न चिन्ह लग चुका है। एक सवाल ये भी है कि जुलाई में तो स्कूल्स खुलते हैं और बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, लेकिन स्कूल्स अभी रिलीफ कैंप बने हुए हैं, तो अब क्या वो रिलीफ कैंप खाली करवाए जाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा जानकारी के लिए आप लोगों को ये भी बता दें कि गृह मंत्री की तरफ से सभी विपक्षी दलों की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिस मीटिंग में सभी विपक्षी दलों ने ये मांग की थी कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सभी विपक्षी दलों को मणिपुर लेके जाया जाए, ताकि मणिपुर में जो सिचुएशन है वो कंट्रोल हो पाए और लोगों को हौसला मिले। सेंटर का जो ये डिसीजन है, ये तो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के मणिपुर पहुंचने के थोड़े ही कुछ ही घंटों के बाद ये डायरेक्टिव आया है। आज के डेट में, आज जून 30 में अब राहुल गांधी इम्फाल में हैं, और तभी ये बात आई है कि बीरेन सिंह को रिजाइन करने के लिए सेंटर ने कहा है। तो अगर क्योंकि हम देखेंगे दो कारण, एक तो ये है कि क्यों उनको कहा गया कि आप रिजाइन करें, तो उसमें अगर हम स्पेकुलेट करना चाहेंगे तो उसमें ये है कि अगर
पार्टी ऐसा है, बीजेपी ऐसा एक ऐसा पार्टी है जो बहुत पॉलिटिकली सेवी है. उनके जो थिंकर्स हैं वो उन्होंने रियलाइज किया कि ये जो बात अगर आगे बढ़ती है तो कांग्रेस के लिए एक मुद्दा बन सकता है और कांग्रेस को ये बात पे सपोर्ट मिल सकती है. क्योंकि अब जितना भी कहे राहुल गांधी को जब रोका बिष्णुपुर में और रास्ते से जाने नहीं दिया तो बहुत सारे लोगों में, अगर बैठे हो या कुकी हो, तो उनके मन में ये सवाल है. लोग पूछ भी रहे थे, आप मीडिया में देख सकते हैं, कि सरकार क्या छुपाना चाह रहे हैं. तो अगर ऐसा मैसेज पब्लिक को जाता है तो बेहतर है कि इनको रिजाइन करने के लिए करने दिया जाए. तो मुझे लगता है कि वो प्रेसिडेंस रूल अगर ला देते हैं या सेंट्रल रूल ला देते हैं, कुछ और लीडरशिप चेंज कर देते हैं, तो नेशनल मीडिया का रुख भी वहां से टर्न कर सकते हैं. तो ये मुझे लगता है कि एक ऐसा एक डिसीजन नेशनल लीडरशिप ने लिया है बीजेपी का और सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन उससे एक सवाल ये भी आता है कि इतने दिन से, 2 महीने हो गए हैं, इतने लोग मरे हैं, इतना लोगों के घरे जले हैं, हालत खराब है कॉमन आदमी के, तो उस टाइम तो उसको नहीं कहा कि रिजाइन करने के लिए, और अभी राहुल गांधी जाने के तुरंत बाद कहा है. तो उससे ये बात उभर के आती है कि अब देखिए, ये एक फुल फ्लेज बीजेपी स्टेट है, बीजेपी चीफ मिनिस्टर है, और ये जो कर्नाटका में बीजेपी का बहुत ही बुरा हार हुआ है रिसेंटली, और ये एक इलेक्शन ईयर है, बड़े बड़े स्टेट में, मध्य प्रदेश लीजिए, बिहार लीजिए, आप राजस्थान लीजिए, छत्तीसगढ़ लीजिए, इसमें बीजेपी का, बीजेपी एक इलेक्शन फेस करने वाले है असेंबली में, और अगले साल 2024 में का पार्लियामेंट्री इलेक्शन है. तो उसमें अगर एक बीजेपी स्टेट में प्रेसिडेंस रूल ला दिया जाए बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर ब्रेक डाउन हुआ है, तो एक जो ऑप्टिक्स जो है पब्लिक को सही नहीं जाएगी. मोदी सरकार का लीडरशिप जो है उसमें सवाल धप्पा पड़ सकता है. तो मुझे लगता है ये एक ऐसा पार्टी है, बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो खाली इलेक्शन पे नजर रखते हैं, जीतने पे नजर रखते हैं. तो मुझे लगता है कि वो खाली उसी हिसाब से वो ऑपरेट कर रहे थे मणिपुर लीडरशिप में भी, चाहे लोग मरे या कुछ भी हो, लेकिन अगर वो उसका बुरा असर, लीडरशिप चेंज करने के वजह से बुरा असर अगर कहीं और पड़ता है तो सो भी है, उसको चलाएं फिर, और जितना देर हो सके वो चलाने की कोशिश करें. तो मुझे लगता है इस कारण से उनको रेजिग्नेशन देने में इतना प्रेशराइज नहीं किया गया. लेकिन जब आप देखेंगे कि ऑपोजिशन वहां पहुंच चुके हैं, द मेन ऑपोजिशन जो कांग्रेस पहुंच चुके हैं, इनके लीडर पहुंच चुके हैं, और ये एक पॉलिटिकल रुख ले सकता है बाकी स्टेट्स में, जो मेन कंटेंडर्स, जो कंटेस्टेंट्स हैं बीजेपी के जो खिलाफ लड़ेंगे वो कांग्रेस है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये तुरंत एक डिसीजन लिया गया है. इट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन है ये कोई लोग मर रहे हैं या कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव के हिसाब से डिसीजन मुझे नहीं लगता है. क्योंकि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव के डिसीजन होते तो ये बहुत पहले सरकार ले लेते, या मोदी जी कुछ कहते भी, वो प्राइम मिनिस्टर भी हैं देश के, लेकिन उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, तो उन्होंने इस मामले से दूर रहे. तो मुझे लगता है कि अब ये दूर नहीं रह पा रहे हैं और इनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, तो उन्होंने इसलिए न्यू दिल्ली ने उनको रिजाइन करने के लिए कहा है. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.